आज़ादी बचाओ न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। चाइनीज़ गाड़ी वाले ने 250 रुपये हफ्ता देने से इनकार किया तो 8 से 10 लोगों ने मिलकर कोयते व चाकू से किया वार। दरअसल सोलापुर शहर MIDC रोड पाटिल नगर के रहने वाले प्रवीण चंद्रकांत नामी लड़का गेंट्याल चौक में चाइनीज़ की गाड़ी लगाकर अपना परिवार चलाता है, जहाँ बीते सोमवार 20 मई 2024 की देर रात कुछ लोग आकर प्रवीण से कहा कि यहाँ तुझे चाइनीज़ गाड़ी लगाना है तो 250 रुपये का हफ्ता देना होगा। हफ्ता देने से इनकार करते ही उन लोगों ने प्रवीण को पीटना शुरू किया, जहां उनमें से एक ने पीठ पर चाकू से वार किया तो एक ने कोयते से सर पर वार कर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने आकाश मुदगल, हब्बू बनपट्टे, RK सुनील, शेरा सागर समेत 8 लोगों पर मामला दर्ज कर अगली जांच में जुटी है।